अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुशाहिद हुसैन पाशा आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है रसोई प्लस जायका ज़िंदगी का। तो नाज़रीन, आज देखते हैं कि रसोई प्लस में शेफ़ आपके लिए क्या ख़ास लेकर आने वाले हैं। तो नाज़रीन, मैं दावत देता हूँ शेफ़ मोमिन फ़कीर साहब को कि वो रसोई में तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिन साहब, रसोई प्लस में आपका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जी शुक्रिया शेफ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आज क्या खास डिश लेकर आप आए हैं हमारे नाज़रीन के लिए। जी, आज हम बनाएंगे मैंगो कैसेडिया। नाज़रीन, आपके लिए आज मैंगो कैसेडिया। शेफ, ये क्या डिश है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बारे में बताइए थोड़ा। जी, ये एक मैक्सिकन डिश होती है जो कैसेडिया, ये एक मैक्सिकन डिश है। okay. उनकी एक रोटी होती है तोरतिल्ला रैप। okay. तो उस रैप को फोल्ड करके स्टफ करके खाते हैं। रोटी का नाम क्या है? तोरतिल्ला। जी हाँ, तोरतिल्ला। तोरतिल्ला, जी हाँ। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने अपना ट्विस्ट दिया है। हम जो पूरनपुली होती है महाराष्ट्र में, वो पूरनपुली बनाएंगे और उसको फोल्ड करके उसके अंदर मैंगो और क्रीम का बेस डाल के वैसे खाएंगे हम। तो नाज़रीन, शेफ आपके लिए आज मैक्सिकन डिश लेकर आए हैं और इसको इन्होंने कंप्लीट इंडियनाइज किया है और इसमें एक महाराष्ट्रियन फार्मूला भी डाला है। जी हाँ। तो इसलिए ये इनकी अपनी डिश हो गई, शेफ मोमिन फकीर डिश। तो शेफ शुरू करें। जी हाँ, बताइए आप क्या इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आज इसमें। जी ज़रूर, ये है मैंगो। जी, ये ग्रीन इलायची है। ये है गुड़। ओके। ये है सूजी। ओके। ये है राइस फ्लावर और ये है घी। ये है बटर। ओके। और ये है आइसिंग शुगर। ये है बॉइल्ड चना दाल। ये है रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा और ये है व्हिप क्रीम। तो नाज़रीन, ये तमाम डिश जो आपके सामने शेफ ने अभी बताई हैं ऑलमोस्ट हमारे घरों में पाई जाती हैं। जी, आप ये डिश बहुत आराम से घर पर बना सकते हैं। बस ये जानना ही है कि अगर आपको इसकी रेसिपी समझनी है तो आपको हमारे साथ अपने आप को कनेक्ट करना होगा और ये देखना होगा कि शेफ कैसे बनाते हैं। तो शेफ शुरू करें। जी ज़रूर। तो ये क्या चाहिए मेरी हेल्प आपको? जी हाँ, पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको पीस देंगे। ओके। और इसका मिक्सर बना देंगे क्योंकि इसका मिक्सर बनाने के बाद इसको ठंडा करना होगा हमें। ओके, मिक्सर है भी? जी हाँ, ये बिल्कुल। जी, ये दाल को हम अभी ब्लेंड कर देंगे जो हमने पहले से बॉयल करके रखा था। 100 ग्राम दाल, इसको थोड़ा चंकी करना है। चंकी होता है जो थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा स्मूथ ना हो ये, थोड़ा दरदरा। हाँ जी, दरदरा। okay. चंकी। हाँ जी, ये हो गया, देखिए क्या बात है, बहुत शानदार, बड़ी जल्दी हो गया। जी हाँ, कुछ सेकेंड ही लगे होंगे। जी हाँ, ये बॉइल था ना, इसकी वजह से जल्दी हो गया। ये देखिए, इसे हम अभी साइड में रख देंगे और ये मिक्सर को अंदर। जी पाशा भाई, आप मुझे वो पैन देंगे? ये मैं गैस जला देता हूँ। इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करने वाले हैं या नहीं? जी, इसमें हम ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम थोड़ा घी लेंगे और हम साथ में इसका जो डो है, जो हमने मैदा, राइस फ्लावर और सूजी जो लिया है उसका डो बनाएंगे। ओके। तो उसके लिए हमें ये बटर को मेल्ट करना होगा। आप एक 10 सेकेंड के लिए माइक्रो में रखूँगी इसे और ऑन कर दूँ। जी हाँ, हम तब तक इसे गर्म कर देंगे। घी डालेंगे, असली घी, और ये जो चने का आटा हमने जो ब्लेंड किया है ये इसमें पूरी अच्छी तरह और सफाई से। जी जी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। जी नहीं, इसको मैं नीचे रख दूँ? जी हाँ। और हम इसमें थोड़ा गुड़ इस्तेमाल करेंगे। गुड़ का इस्तेमाल? जी हाँ, इसमें हम 20 ग्राम गुड़ इस्तेमाल करेंगे। 2 पिंच कार्डमम पाउडर यानी ग्रीन इलायची का पाउडर। गुड़ को और चने, जो मैदा, राइस फ्लावर और सेमोलिना यानी सूजी, इसके अंदर स्टफ करेंगे और उसको हम बेलेंगे। बेलने के बाद हम उसे जैसे रोटी सेकते हैं उसी तरह हम उसको तवे में सेक देंगे। उसको अच्छी तरह मिक्स करें, सारा जो चना है वो जुड़ जाए, चिपक जाए, कोई खुला ना रहे। इसलिए आपने इसके साथ गुड़ का इस्तेमाल किया। जी हाँ, जो महाराष्ट्र जो बनती है पूरन पूरी, वो भी ऐसी ही होती है। ये देखिए, अब इसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है नहीं ना जो फिजिकली हार्म करे या नहीं? नहीं नहीं, अन इस्लामिक हो, गैर इस्लामिक हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब इस मिक्सचर को हम निकाल देंगे। जी ये बॉल इसमें करने वाले हैं।
जी नहीं, इस छोटे बॉल में इसे अब हम थोड़े देर के लिए ठंडा करने रखेंगे क्योंकि इस मिक्सर को हमें डो के अंदर स्टफ करना है। बहुत अच्छा हो गया। अभी हम डो बनाएंगे मैदा का। जी हाँ, मैदा, राइस फ्लावर और सूजी ये रख लेते हैं यहाँ पे। 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम मैदा, 15 ग्राम चावल का आटा। चावल का आटा चम्मच से डालेंगे। जी हाँ, फिर भी एक अंदाजा हमारे ऑडियंस। अभी हमने एक टेबल स्पून डाला है, अभी आगे और कितना लगेगा देखते हैं। ये थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, लगभग आधा कप। ओके, पानी ये अच्छी तरह से मिला दें। ओके, बहुत ही अच्छा नाइस अपने हिसाब से हम देख सकते हो। शेफ, इसको ऐसा इतना मिलाएं ताकि इसमें जो सूखा है बिल्कुल ना रहे। जी नहीं, ये पूरी तरीके से गीला हो जाए। जी हाँ, जैसे हम रोटी का बनाते हैं डो, आटा बनाते हैं, जो भी थोड़ा और पानी लगेगा इसमें। हाजरीन, ये बिल्कुल आटा बन रहा है और इसमें उसी तरीके से इसको शेफ बना रहे हैं कि बिल्कुल सूखा ना रहे कहीं से भी। थोड़ा और बटर। इसमें शेफ नमक इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसकी वजह है कि जो इसमें ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है, सॉल्टेड होता है। अच्छा जी हाँ जी, जो बटर होता है वो ऑलरेडी सॉल्टेड होता है जी। थोड़ा सा और, थोड़ा सा हल्का सा टच देंगे बटर का, बटर लगभग। ये देखिए हमारा डो हो गया गूंद के, इसको मॉइस्चर बनाने के लिए थोड़ा और, थोड़ा सा बटर और बस आखिर में। नाज़रीन, ये आटा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। जी हाँ, और आप एक बात का ध्यान रखना, इस बार आम का सीज़न आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। जी, अभी हम इसके छोटे छोटे गोले बना देंगे। जी देखिए, ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नॉर्मली आटे के गोले बनते हैं। हाँ जी, जो रोटी के लिए हम घर में इस्तेमाल, घर में जो हम बनाते हैं जी, हम इसके गोले बना देंगे जी। और यहाँ पे थोड़ा फ्लोर पे आटा हम बिछा देंगे ताकि इसके ऊपर रखे, ये इस पर चिपके ना। और इसके अंदर हम स्टफ करेंगे जो हमने मिक्सर बनाया था, गुड़ का जी और चने के दाल का। जी, ये डो बने। ओके, अभी हम इसके अंदर जी जो हमने मिक्सर बनाया है इसको स्टफ करेंगे। ये देखिए, ये इस बीच में होल करेंगे ऐसा। ये देखिए बिल्कुल एकदम कुल्फी जैसा बनाया शेफ ने इसको। ये जो स्टफिंग है ओके, इसके अंदर सेट करेंगे। जी हाँ, स्टफिंग को अंदर डाला और इसको बंद किया, तो बंद कर देंगे। हाँ, बंद कर देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है जी। इसे भी जित सारे डो को, सारे पेड़े को जो बनाया हमने सबको ऐसी स्टफ करके इसको बंद कर देंगे, फिर बाद में इसको हमें बेलना है। अच्छा, नाज़रीन बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में कीमे की कचौड़ियाँ बनाते हैं या कीमे की हलवा बनाते हैं। जी सर जी, ये फ्राई पैन आप यहाँ पे, और आप इस गैस को ऑन कर दीजिए स्लो पे। स्लो पे हाँ, तब तक मैं रोटी बेल दूँगा, वो गर्म हो जाएगा पैन। ये लीजिए सर, ये मैंने किया जी। अभी हम इसको बेलेंगे, हमें इसे पतला बेलना है क्योंकि जब ये बनेगा उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। ओके, तो इसे हम पतला बेलना है, हमें इसे पतला बेलना है। बराबर चारों तरफ से गोल जी, बिल्कुल गोल बना रहे हैं आप, और जो इसकी स्टफिंग है सारी जगह फैल जाए जी। देखिए बिल्कुल, ये देखिए चांद की तरह गोल इन्होंने बनाई है, ऐसा लग रहा है जैसे फुल मून है। जी हाँ, जी। अभी हम उसमें घी डालेंगे और उसको हल्के आंच में सेकेंगे, तब तक मैं दूसरा पेड़ा बेल लेता हूँ। घी में डाल दूँ? जी हाँ। कितना डालना है बताइए? एक टीस्पून। ठीक है जी, बढ़िया। इसे रखिए यहाँ पे, ये थोड़ा गर्म हुआ अभी, कम है लेकिन मुझे लग रहा है जी। तब तक मैं दूसरी रोटी बेल लेता हूँ जी। अभी अब हम इसे सेक देंगे, थोड़ा गैस पास कीजिए। yes. अब मैं आ जाता हूँ वहाँ पे। जी शुक जी मुझे, क्योंकि हम सेक के, देखिए नाज़रीन जो बेहतरीन सी रोटियाँ जैसी इन्होंने बनाई थी शेफ ने, वो ये उसको गर्म कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अगर आपको घी अच्छा लगता हो तो आप और डाल सकते हो, आसानी से पक जाएगी रोटी।
मैं थोड़ा और डाल देता हूँ के ऊपर, ताकि जो एक हाफ जो रूखापन है इसका चले जाए। ये देखिए, आहा बढ़िया लग रही है। बनाना एक आर्ट है, शेफ बता रहा है, लेकिन खाना भी एक आर्ट है। डाइनिंग टेबल पर जिस तरीके से खाने को सजाया जाता है वो भी एक आर्ट, बहुत शानदार गोल एकदम। अभी हम एक और बना देंगे जी। सारी रोटियां ऐसी बनानी है आपको। ये देखिए तवा बहुत ही अच्छे से गर्म हुआ हुआ इस वक्त और बन रहा है नाज़रीन। एक मिनट भी लगेगा शायद, लगभग एक डेढ़ मिनट लगेगा। ये जो मिक्सचर है हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, बस जो आटा है सेकना है उसे। आहा ये देखिए, ये बन गई रेडी। ये निकाला हमने जी, ये दूसरी रोटी भी तैयार। क्या बात है। अभी हम जो क्रीम है ये जी, उसको हम व्हिप करेंगे। ओके, ये बॉल में डालते हैं जी। हाँ जी, 100 ग्राम जी। नहीं शुक्रिया, 100 ग्राम व्हिप क्रीम। ओके, मिक्स करना है एक बार, मिलाना। और 15 ग्राम आइसिंग शुगर, और इसे हम अच्छे से व्हिप कर देंगे। ओके, ये हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ठीक हो गया है जी बिल्कुल। जब तक ये देखिए, जैसे हमने उठाया है बिल्कुल नहीं गिरा, इसका मतलब ये हो गया, अब डन है ये। ओके, इसीलिए आप उठा रहे हैं कि वो हाँ जी गिर नहीं जाए। अगर ये आप उठाते हो गिरता है तो इसका मतलब थोड़ा और आपको फेंटना है। अभी हम इसे रख देंगे। बहुत ही वाइट कलर है इसका कंपनी का जी। अभी हम ये मैंगो काट देंगे। बिल्कुल लीजिए जी, शुक्रिया। मैंने रख दिया जी, शुक्रिया। अभी आम को हम स्लाइस कर देंगे। ओके, ये अल्फांजो है यानी हापुस आम। हापुस आम, हाँ जी। अगर आपको हापुस ना मिले तो आप कोई भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन देख लें कितनी तरतीब से खूबसूरती से काट रहे हैं। पका हुआ है, बहुत मीठा होगा ये आम। अब हम ये जो पूरनपोली है, पूरनपोली जी, इसके अंदर हम आम शर्व करेंगे। ओके, बस आपको आसानी हो जाएगी जी। ये देखिए, ये देखिए बहुत तरीके से नाज़रीन ये यहाँ रखा, ये ऐसा लाइन से सबको अरेंज करें प्यार से। ओके, वन बाय वन जी। और ये जो हमने क्रीम बनाया है जी, इसके ऊपर हम इसे स्टफ कर देंगे। ओके, ये देखिए, ये ऐसा ये बहुत बढ़िया तरीके से आप कर रहे हैं, इस पर अच्छे से लगा देंगे प्यार से। हाँ, इसको अभी हम फोल्ड करेंगे जी। ये ऐसा, ये हो गया। इस रोटी को भी हम ऐसी करेंगे, मैंगो वन बाय वन लगाएंगे हम इस पर, अरेंज करेंगे प्यार से लाइन से, कोई ऐसा रह ना जाए। और सेम उसी तरह इसे भी हम क्रीम के साथ लगा देंगे ऊपर। ये जी अभी अच्छा होगा, डेफिनेटली बढ़िया, बहुत होगा, बेहतरीन होगा। पूरनपोली के साथ मैंगो, पूरनपोली के साथ जी। हाँ, अभी हम इसको 1/2 काट देंगे। अच्छा, हाँ जी, ये हमारी ब्रेड नाइफ। ब्रेड नाइफ स्पेशल आती है घर में भी। ये इसे हम यहाँ रख देंगे। और हम करेंगे प्लेटिंग। शेफ आप इसको इसमें रखने वाले हैं? जी हाँ, हम इसे इस प्लेट पर सजा देंगे। ओके, ये एक, ये देखिए सजाने का अपना तरीका है जी। शेफ ये रेडी हो गया, अभी कुछ और करने वाले हैं आप? जी हाँ, थोड़ी सजावट करेंगे। सजावट भी बहुत ज़रूरी है। ये क्या है जिससे आप इसकी सजावट कर रहे हैं? जी ये हमने जो रबड़ी है जी, रबड़ी पहले से बना के रखी थी, और ये थोड़े से मिंट। ये देखिए मिंट, ये पुदीने के पत्ते जो हैं बड़े तरीके से जा जाता है, अति शानदार, और पुदीने की अपनी खुशबू आ रही है इसके साथ में जी। तो नाज़रीन ये डिश बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है जी। शेफ कुछ और करना बाकी है? जी नहीं, हमारी मैंगो कैसेडिया अब तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत इतनी शानदार डिश बनाई है। तो नाज़रीन ये डिश बनकर तैयार है। ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें।